सांसद मेनका गांधी के संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। रहायकपुर भिकारीपुर गांव के रास्ते को लेकर एक साल से परेशान किसानों ने आज राहत की सांस ली है। चार दिन से लगातार आमरण अनशन पर बैठे किसानों की पीड़ा सुनने के लिए आज एसडीएम सदर रामजी लाल व यूपीडा के एक्सीएन सुमंत कुमार सुमन किसानों के बीच पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए किसानों की खेतिहर भूमि अधिग्रहण के बाद उन्हीं किसानों को घर से सड़क तक जाने आने का रास्ता जो भी था वो बंद कर दिया गया था। किसानों ने रास्ते की मांग को लेकर एक साल से लगातार शासन से लेकर जिला प्रशासन और अधिकारियों के पास, यहाँ तक कि सांसद मेनका संजय गांधी तक अपनी पीड़ा सुनाई थी। बावजूद इसके कोई जिम्मेदार शासन प्रशासन के लोग किसानों का दर्द सुनने को तैयार नहीं थे। थकार कर किसानों ने निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर चार दिन पूर्व रास्ते की मांग को लेकर तंबू डालकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। किसानों ने नारा दिया था कि हमारी मांगें पूरी करो, रास्ता दो, रास्ता दो। आज किसानों का दर्द सुनने के लिए मौके पर उप जिलाधिकारी सदर व यूपीडा के अधिकारी समेत थानाध्यक्ष वगैरह भी पहुंचे हैं। चक रोड थी जो 8.5 फुट चौड़ी थी, उसके सहारे हम लोग रास्ता देने का प्रस्ताव हमने भेजा था और आज यूपीडा की पूरी टीम आई है। उन्होंने कहा कि यूपीडा की जो मेन रोड जा रही है जिस पर टोल प्लाजा बनना, उसके बराबर से ही वो काश्तकारों की 10 मीटर चौड़ी सड़क को एक्वायर कर रहे हैं, अधिग्रहण कर रहे हैं और उसका ही रास्ता बना के देंगे। इसका रास्ता बंद हो गया था तो उसे हमारा जो ये लूप है, लूप के किनारे किनारे रास्ते हम इनको दे रहे हैं और उसके लिए जो जमीन की आवश्यकता है वो इनसे सहमति लेके इनसे रजिस्ट्री करा दी जाएगी। मैंने देखा 3-4 दिन पहले यहाँ बैनर और पोस्टर लगा था और ये लोग बैठे थे तो मैं मुड़ गया अपनी गाड़ी लेके और वहाँ करके इनसे बात किया। तभी मैंने इनको आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा से बात करके मैं आपका समर्थन करूंगा, न्याय दिलाऊंगा और न्याय दिलाऊंगा। तो यूपीडा के लखनऊ के सभी सीनियर अधिकारी आए थे और उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया और सहमत पत्र ले रहे हैं हम सब लोगों से कि रोड के जस्ट बगल से 10 मीटर चौड़ी रोड, मतलब 30 फीट की हम सब लोगों को रोड देने के लिए वो सहमत हो गए और हम सब लोग इस बात का मतलब इस बात को खुशी से सहमत हैं। और आगे की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल कुमार वहाँ पर मौजूद है। अनिल जी, ये जो अभी तक ये पूरा मामला है रहायकपुर भिकारीपुर का जी, वहाँ पर जिस तरह से अनशन चल रहा है और जो पूरा मामला है, जरा बताएं कि क्या था पूरा मामला। पूरा मामला ये है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस यहाँ पे निर्माण हो रहा है भिकारीपुर गांव के बगल में जी, और वहाँ पे जो है कुछ किसानों ने जो अपनी जमीन दिया था उसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस ने, उसमें जो है अब उनको रास्ता बंद कर दिया गया है। अब वो गांव तक जाने जाने में इतनी दिक्कत उन लोगों को हो रही है कि वो लोग बिल्कुल परेशान थे। एक साल से वो लोग जो है जिलाधिकारी से लेकर के जिला प्रशासन और एसडीएम और यूपीडा को सबको जो है उन्होंने लिखित शिकायत दिया जी। लेकिन किसी ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जी। उनका दर्द भी नहीं समझा कि किसान कितना परेशान है जी। अभी हाल में मेनका जी को उन्होंने, सांसद मेनका गांधी को उन्होंने एक शिकायत पत्र दिया था जी, जिस पर उन्होंने भी उस पर संज्ञान नहीं लिया है। आज 4 दिन से वो लोग धरने पर बैठ गए, तब जा करके जिला प्रशासन की आंखें खुली हैं। आज यूपीडा के अधिकारी लोग, एसडीएम साहब सदर, ये लोग पहुंचे थे और उनकी बातें मानी और उनको सड़क देने का आश्वासन दिया है। इस आश्वासन के बाद क्या माना जाए कि अब ये जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल थी ये खत्म कर दी जाएगी? ऐसा तो बताया जा रहा है किसानों द्वारा जो है कि हम लोग अब भूख हड़ताल खत्म करेंगे, अब हम लोगों की बात जब मान रहे हैं अधिकारी लोग। ये आप कह रहे हैं कि वहाँ पर अब ये भूख हड़ताल जो इतने दिन से चल रही थी वो खत्म हो जा रही है, इसमें कहीं न कहीं क्या ये माना जाए कि मेनका संजय गांधी के आने के बाद अधिकारी उसमें जुटे हैं और अधिकारियों का जो उसमें इन्वॉल्वेशन हुआ है वो मेनका जी की वजह से हुआ है जी? कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो है ही है। शासन प्रशासन अभी तक मौन बना हुआ था, लेकिन मेनका जी के जाने के बाद, मेनका जी को शिकायती पत्र देने के बाद अंदेशा यही लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि सांसद जी ने अधिकारियों को प्रेशर किया हो, अधिकारियों को बताया हो कि किसानों का दर्द की समस्या सुनी जाए।
ये थे हमारे संवाददाता अनिल कुमार जो पूरे मामले को बता रहे थे। रहायकपुर भिकारीपुर में आपको बता दें कि 4 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चल रही थी। रास्ते को लेकर मेनका गांधी तक ये बातें पहुंचाई गई थी और आज मौके पर जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी सदर राम जिलाल और यूपीडा के एक्सटीएंस सुमन कुमार सुमन भी किसानों के बीच पहुंचे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगे जल्दी पूरी होंगी और इसको लेकर आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किसानों ने खत्म कर दी है। सच्चाई वही जो हम बताएं।